इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हसनैन करीमैन हैं जिनकी शान बेहद आला है अल्लाह ने ईद के लिए जन्नत से जिब्राइल अमीन के हाथ ईमान हस, इमाम हसन और हुसैन के लिए बेहद ख़ूबसूरत लिबास भेजे इस वाक्य को आप ज़रूर पूरा सुनें और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इमाम हसन की शहादत कैसे हुई वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल शेर अली मैं हूँ इराम अली और आगे बढ़ने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन हिट करें जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये जो वीडियोस हैं नॉलेज हैं वो दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचें तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन जब ईद का वक्त करीब आया तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अपनी अम्मी जान फातमा तो जहरा के क़रीब जाकर कहने लगे ए हमारी माँ मदीने में सब बच्चे ईद के लिए नए नए कपड़े ले रहे हैं ए माँ क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे तब इमाम अली और फातमा तो जहरा अपना सब कुछ गरीबों और मिसकीनों को दे दिया करते थे ये सुनकर बीबी फातमा तो जहरा अपने दोनों शहजादों को देखकर कहती हैं कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों परेशान ना हो तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आ रहा है जब ईद का चांद रात आई तब अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन जन्नत से लाल और सब्ज़ रंग के दो बहुत ही खूबसूरत लिबास लेकर बीबी फातमा तो जहरा के घर पहुँचे बड़े शहज़ादे इमाम हसन ने कहा माँ मुझे सब्ज़ रंग का पसंद है और इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे लाल रंग पसंद है जब ईद का दिन आया तो दोनों शहजादे वही लिबास पहनकर अपने नाना जान हुजूर अकरम सरवर वसल्लम के पास पहुँचे और दोनों शहजादों ने अपने नाना जान को ईद मुबारक कहा अपने दोनों शहजादों को उन लिबासों में देख कर हजूर अक्रम मुस्कुराने लगे तब उन्होंने बीबी फातमा तो जहरा से सवाल किया कि क्या तुम इन जोड़ों के बारे में जानती हो तब उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा जान क्योंकि उन्होंने वो दर्जी वाली बात तो अपने शहजादों को ऐसे ही बोल दी थी बहलाने के लिए तब हजूर अक्रम सल्ह वसम ने बीबी फातमा से बताया कि ये जोड़े अल्लाह ने खुद जन्नत से हमारे शहजादों के लिए भेजे हैं और जो दर्जी तुम्हारे घर इन जोड़ों को पहुँचाने आया था वो कोई और नहीं फरिश्तों के सरदार जब्रैल हैं दोनों शहजादों ने नाना जान से कहा सब लोग अपनी अपनी सवारी में घूम रहे हैं और हमारे पास कोई सवारी नहीं है तब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों से फ़रमाया तुम दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाओ मैं तुम्हारी सवारी बनता हूँ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कंधे पर बिठाकर मदीने शरीफ़ में घूमने लगे लोग देखकर अपनी बे अपनी नज़र बा अदब नीचे करके सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहने लगे अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम सरवर हु वसल्लम ने अपने दाइ जुल्फे मुबारक इमाम हसन को और बाईस जुल्फे मुबारक इमाम हुसैन के हाथों में दी और आप अपने शहज़ादों के साथ चल रहे थे कि कहा एक सहाबी आए और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे ए प्यारे शहज़ादों तुम्हारी सवारी तो कितनी प्यारी है कितनी आला है कितनी अजीम सवारी है तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप ये ना कहो कि इमाम हसन और हुसैन की सवारी कितनी अजीम है पर यह भी तो देखो कि जो इस सवारी पर सवार हुए हैं वो कितने प्यारे हैं और वो कितने अज़ीम हैं सुबह अल्लाह क्या शान है इमाम हसन और इमाम हुसैन की हुजूर हजूर सल्ला वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और हुजूर हजूर सल वसल्लम खुद उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर सवारी कराया करते थे क्या शान है इमाम हसन और हुसैन की जिनके लिए अल्लाह ने ख़ुद जन्नत से कीमती लिबास भेजे अल्लाह ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को इतना बड़ा मर्तबा अता फ़रमाया है कि अल्लाह ख़ुद उनके लिए जन्नत से लिबास भेजता है क्या शान है आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की क्या शान है हज़रत अली के शहजादों की क्या शान है बीबी फ़ातमा तो जहरा के प्यारे शहजादों की क्या शान है ये वो शहजादे हैं जिन्हें अल्लाह ने शहादत की मौत अता फरमाई है और इमाम हसन सलाम को उनकी बीवी ने बार बार जहर दिया लेकिन इमाम हसन हर बार हुजूर की मज़ार मुबारक पर जाते और वहाँ दुआ करते और सेहत याब हो जाते लेकिन एक मरतबा बेहद ही ज़्यादा जहरीला जहर दिया गया जिससे इमाम हसन की शहादत हुई तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो नॉलेजेबल है या आपको पसंद आता है तो उसे ज़रूर 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 दूसरों तक भी शेयर करना ना भूलें तो दोस्तों जल्द ही ईद आने वाली है हमारे चैनल और हम सभी की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं पर इसके पहले आपको एक बार और याद दिला दें कि आप हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें वीडियोस लाइक करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो पे तब तक के लिए फ़ी अल्लाह